इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी लॉ क्लासेस। ये अपनी जो बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, इवनिंग डेली 7 बजे लेक्चर अपलोड हो जाता है, और उसी टाइम जब आप लेक्चर अपलोड होता है तो एक टाइम शेड्यूल सेट कर लीजिए कि यस हमारी 7 बजे लाइव क्लास है, 7 बजे हमें क्लास देखनी है, प्लस इसके साथ साथ हमें नोट्स बनाने हैं। ये जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये पीडीएफ एमडी लो क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड हो जाती है, तो वहां से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। अब एमडी लो क्लासेस पे आप कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं? इस कॉन्टेक्ट पे आप इसको कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और इस कॉन्टेक्ट से आप व्हाट्सएप के एमडी लो क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे एड हो सकते हैं। और बीएनएस के जो एमसीक्यूज है वो भी ओनली मेंबर के लिए बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं, तो अभी तक आपने एमडी लो क्लासेस की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का पार्ट। देखो हमने क्या पढ़ा, लास्ट हमने 86 तक कवर किया था, 85 और 86, जो कि हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स क्या करते हैं, फीमेल के साथ क्रुएल्टी करते हैं। क्रुएल्टी क्या मानी जाती है, हमने लास्ट तक पढ़ा। आज हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 87। देखो जो चीज हमारे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका टाइटल याद कर लो। जो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बताती हूँ कि ये प्री में, मेंस में या इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। सेक्शन 87 कहते हैं, विवाह आदि करने के लिए विवश करने और किसी महिला को व्यपहत करना, अपहत करना या उत्प्रेरित करना। अब आप क्या कर रहे हो, फीमेल की किडनैपिंग कर रहे हो, अबडक्शन कर रहे हो, किस लिए? ताकि आप उसे विवाह करने, आप उसे मैरिज करने के लिए उसको विवश कर सको। पनिशमेंट याद रखनी है कि अब देखो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप किडनैपिंग और अबडक्शन किस ऑब्जेक्ट से कर रहे हो, तो इन्होंने कहा जो कोई किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए या महिला को विवश करने के इंटेंशन से की जाएगी, कि वे जानते हुए कि वह उससे अयुक्त या अनुचित संभोग करने के लिए, उस महिला को विवश करने के लिए या विवश करने के लिए संभाव्य जानते हुए करेगा, तो वह किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इसमें आपको सिर्फ आप यहां तक याद रख सकते हो कि विवाह करने के लिए अगर किसी फीमेल की इच्छा के विरुद्ध आप उसे किडनैपिंग करते हो, अबडक्ट करते हो, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन है अनुचित संभोग करने का, तो आपको 10 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माने से लायबल ठहराया जाएगा। कि हूएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी वुमन विद द इंटेंट दैट शी मे बी कंपेल्ड और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी कंपेल्ड टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध, और इन ऑर्डर That she may be forced or seduced to illicit intercourse. आपका ऑब्जेक्ट क्या है काम करने का, illicit intercourse का, और knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. आपका intention क्या है, illicit intercourse करने का, तो 10 साल की punishment and जुर्माने से आपको liable ठहराया जाएगा। Prelims के लिए ये सेक्शन को आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 88। अब हमारा जो है मिसकैरेज का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखो मिसकैरेज अगर कोई फीमेल अपनी कंसेंट से भी करती है, अगर फीमेल कहती है कि मैं बच्चा नहीं रखना चाहती, मुझे अबॉर्शन करना है, तब भी उस फीमेल को अपने पनिश करेंगे, तब भी उसने क्या किया है, गर्भपात का ऑफेंस किया है, मिसकैरेज का अपराध किया है। कि जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात करेगा, अब कोई अदर पर्सन किसी फीमेल का मिसकैरेज करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के पर्पज के लिए किया गया। देखो अगर मिसकैरेज आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उस फीमेल को खतरा है, उस फीमेल की लाइफ को डेंजर है, तब अगर आप मिसकैरेज कर रहे हो तो आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन किस फीमेल को कोई खतरा नहीं है फिर भी आप उसका मिसकैरेज करते हो, करवाते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट, 3 साल तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। कि अगर आप किसी गर्भवती महिला का मिसकैरेज करते हो तो 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह महिला स्पंदन गर्भा है, देखो स्पंदन गर्भा का मतलब होता है कि अभी उसने उसके स्टार्टिंग डेज दी है 20 या 30
दो या तीन हफ्ते ही हुए हैं कि अभी उस फीमेल ने कंसीव ही किया है, स्टार्टिंग के डेज है। अगर वो उस टाइम स्पंदन गर्भा है तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, एंड जुर्माने का विदाई होगा कि अगर स्टार्टिंग डेज में ही अगर आप उसका अबोर्शन करवाते हो तो 7 साल की पनिशमेंट, और बाकी टाइम में अगर आप करवाते हो तो आपको 3 साल की पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा। कि whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith or purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description, कितना मिलेगा 3 साल का, and with or with fine or with both, and if the woman be quick with the child, क्या है स्पंदन गर्भा, be quick with child, shall be punished, कितनी punishment मिलेगी 7 year, and shall also be liable to fine, कि अगर वो स्पंदन गर्भा है तो 7 साल, और अगर आप किसी वैसे किसी फीमेल का मिसकैरेज करते हो तो 3 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है, कि अ वुमन हु कॉजेस हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर फीमेल अपनी इच्छा से, वो कहती है कि मैंने अपनी इच्छा से मिसकैरेज किया है, तब भी आपने एक पनिशेबल ऑफेंस किया है, तब भी आपको इस सेक्शन से पनिश किया जा सकता है। अब देखो सेक्शन 89 कहता है कि महिला की कंसेंट के बिना गर्भपात कारित करना, कि कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, कि अब अगर उसकी कंसेंट के बिना आप मिसकैरेज करते हो तो आपको पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। कि जो कोई उस महिला की कंसेंट के बिना, चाहे वह महिला स्पंदन गर्भा हो या नहीं, धारा 88 के अधीन अपराध करेगा तो वह लाइफ इंप्रिजनमेंट से या आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का विदाई होगा। मतलब अगर आप मिसकैरेज किसी फीमेल की कंसेंट के बिना करते हो तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिल सकती है या 10 ईयर तक पनिशमेंट मिल सकती है, एंड जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा। कि whoever commits the offense under section 88 without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life and with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। अगर 88 में जो आपने गर्भपात कारित किया, अगर वो उसकी फीमेल की कंसेंट के बिना करती हो तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट जो 10 ईयर तक हो सकती है, एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो 88 में मिसकैरेज करना, 89 में उसकी कंसेंट के बिना करना। देन बात करते हैं सेक्शन 90 कहते हैं गर्भपात करने के इंटेंशन से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु कारित करना। अब आपने तो मिसकैरेज करवाना चाहा, लेकिन आपके काम से उस फीमेल की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, भले ही आपको ये नहीं पता हो, आपका इंटेंशन नहीं हो उसको मारने का, लेकिन फिर भी आपके काम से अगर उसकी डेथ होती है तो आपको सेक्शन 90 में पनिश किया जाएगा। कि जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात करने के इंटेंशन से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है तो आपको कितनी पनिशमेंट 10 ईयर तक मिलेगी, एंड जुर्माने का विदाई होगा। कि आप गए तो मिसकैरेज करवाने थे, लेकिन आपके आपके इस काम की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। कि whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which causes the death of such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा अगर आपके काम से उस फीमेल की डेथ हो जाती है। अब देखो सबसेक्शन 2, जहां सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की कंसेंट के बिना किया जाए, अब आप जब उसका मिसकैरेज करवाने आए तब उस फीमेल की कंसेंट के बिना आए और उसमें उस फीमेल की डेथ हो जाती है तो वह आजीवन कारावास या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। कि जब आप मिसकैरेज करवाने आए तब उस फीमेल को पता नहीं था, उसकी कंसेंट के बिना आए करवाने, जब करवाया तो उस टाइम उसकी डेथ हो गई, तो अब उस पर्सन को आजीवन कारावास की सजा एंड जुर्माना मिलेगा।
कि where the act referred to in subsection 1 is done without the consent of the woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो आपको life imprisonment की punishment मिलेगी. देखो next इसके बाद बात करते हैं explanation कि इस अपराध के लिए ये आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे. भले ही आपका इंटेंशन नहीं था, आपको नहीं पता था कि मेरे काम से डेथ हो भी सकती है, तो हमें उस कार्य से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके काम से फीमेल की डेथ हुई है तो आपको 10 ईयर की पनिशमेंट, अगर उस फीमेल की कंसेंट के बिना आप उसका मिसकैरेज करवाने आए तब उसकी डेथ हुई तो लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट आपको मिलेगी. उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 91. बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसके मृत्यु करने के इंटेंशन से किया गया कार्य. अब आप क्या कर रहे हो, बालक को या तो पैदा नहीं होने दे रहे या पैदा होने के बाद आप उसकी डेथ करने के इंटेंशन से कोई काम कर रहे हो. जो कोई किसी बालक के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस इंटेंशन से करेगा कि उस बालक का जीवित पैदा होना रोका जाए या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु की जाए, और ऐसे कार्य से उस बालक का जीवित पैदा होना रोकेगा या जन्म के बाद उसकी डेथ करेगा, तो वह यदि वे कार्य माता के जीवन को बचाने के पर्पस से किया है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी. बट अगर इसमें किसी फीमेल की लाइफ को कोई खतरा नहीं था, उसके बावजूद आपने काम किया, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 ईयर तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा. कि आपने क्या किया, या तो बच्चे को पैदा होने से रोका या जब पैदा हुआ तो जन्म के बाद आपने उसकी डेथ करने की कोशिश की. अगर ऐसा कोई काम फीमेल की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट ऐसा कोई काम नहीं है तो 10 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा. क्या कहा, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट अ चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ, जन्म के पश्चात अगर आप उसे मारते हो तो. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 92. ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानवता की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना. देखो जब हम कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे, आपराधिक मानवध पढ़ेंगे, तो आपराधिक मानवध में हमें थर्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है. थर्ड एक्सप्लेनेशन में हमें 3 बातें बताता है कि कब आपका काम मिसकैरेज में जाएगा, कब आपका काम कल्पेबल होमिसाइड में आएगा और कब आपका काम डेथ में जाएगा, कब आपके ऊपर मर्डर के सेक्शन लगेंगे. वैसे ही एक सेक्शन कनेक्टेड है, कॉजिंग द डेथ ऑफ अ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, कि जो कोई ऐसा कार्य किसी ऐसी परिस्थिति में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानवता का दोषी है, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव जात बालक की मृत्यु कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति कारावासी, जिसकी अवधि 10 ईयर की होगी, एंड जुर्माने का भी लायबल होगा. तो अगर आपने किसी की मृत्यु कारित की तो कल्पेबल होमिसाइड, और अगर किसी बालक की मृत्यु करते हो तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा. कि हूएवर डज एनी एक्ट अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट इफ ही देयर बाय कॉज्ड डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड डज बाय सच एक्ट कॉजेस द डेथ ऑफ अ क्विक अनबोर्न चाइल्ड shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. अगर मार दिया तो culpable homicide, लेकिन अगर किसी बालक को मार दिया जो unborn child है तो आपको इस section में punish किया जाएगा, जो कि section 92 बात करता है. An illustration कहता है, देखो ए यह जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे. ए यह जानता है कि वह किसी pregnant lady की death कर दे. ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, और उस महिला को क्षति होती है. अब यहाँ पे सिर्फ महिला को इंजरी हो रही है बट उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन तद द्वारा उस अजात सजीव बालक की डेथ हो जाती है. फीमेल अगर मरी तो कल्पेबल होमिसाइड, फीमेल नहीं मरी, सिर्फ उसको क्षति हुई है लेकिन बालक मर जाता है जो उसके गर्भ में है, तो ए इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है. तो क्या कहा इस सेक्शन में, कि अगर आपने ऐसा काम किया जिससे अगर आपके काम से फीमेल की डेथ हुई
तो आप जाओगे आपराधिक मानवत में। लेकिन आपके काम से फीमेल को सिर्फ क्षति हुई है, लेकिन जो अनबोर्न चाइल्ड था वो मर गया, तो आपको इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। देन बात करते हैं सेक्शन 93। बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 साल से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग। प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप क्या कर रहे हो, 12 साल से कम के किसी बालक को आप किसी भी जगह पे छोड़ के आ रहे हो। बहुत बार देखा है, बहुत बार न्यूज में फोन्स में दिखाते हैं कि कभी बालक डस्टबिन में पड़ा है, कभी कोई छोटा बच्चा सड़क पर पड़ा है, कभी हॉस्पिटल के बाहर पड़ा है। अगर पेरेंट्स या ऐसा कोई गार्जियन ऐसा कोई काम करता है तो हम उसको इस सेक्शन 93 में पनिश करेंगे कि एक्सपोजर एंड अबेंडेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर एज। याद रखनी सेक्शन में क्या है, 12 ईयर ऑफ एज बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, कि जो कोई 12 साल से कम आयु के बालक का पिता या माता होते हुए ऐसे बालक की देखरेख रखते हुए ऐसे बालक का पूर्णतः परित्याग करने के इंटेंशन से बालक को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा, छोड़ देगा, तो वह 7 साल के कारावास से दंडित होगा या जुर्माने से या दोनों में से 12 वर्ष से कम दंडित किया जाएगा। तो क्या कहा, अगर आप किसी बालक को छोड़ देते हो ऐसी जगह पे जो बालक 12 साल से कम का है, तो आपको सेक्शन 93 के लिए पनिश किया जाएगा। कि यदि बालक आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए, अब आप वहां पे छोड़ के आ गए, तब तो आपको पहले पनिशमेंट मिलेगी जो कि हमने अभी पढ़ी। आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 7 ईयर या जुर्माना या दोनों। लेकिन जब आप छोड़ के आ गए तब बच्चा मर गया, तो यथास्थिति हत्या या कल्पेबल होमिसाइड के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आश्रित नहीं है कि आप तो छोड़ के आ गए लेकिन वहां पे वो बच्चा मर गया, तो हम आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी लायबल ठहरा सकते हैं, मर्डर के लिए भी लायबल ठहरा सकते हैं। अब जैसे आप मान लो हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा है, अब हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा है तो आपका ये इंटेंशन था कि चलो मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो कोई ना कोई इसको उठा लेगा, तब वहां पे अगर बच्चा मरता है तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, रेलवे के ट्रैक्स पर छोड़ के आ जाते हो, रेलवे की पटरियों पर छोड़ के आ जाते हो, अब वहां पर तो ट्रेन आएगी तो बच्चा मरेगा ही मरेगा, तब आपका कार्य किस में चला जाएगा, मर्डर में चला जाएगा। तो ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 94, मृत शरीर के गुप्त व्यय द्वारा जन्म छिपाना। टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब आप क्या कर रहे हो, बालक के जो मृत शरीर है उसका आप छुप छुपा के उसको रख रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई किसी बालक के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या उसका व्ययन करके, चाहे वह बालक की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, तो ऐसे बालक के जन्म को जानबूझकर छिपाएगा, छिपाने का अटेम्प्ट करेगा, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 2 वर्ष तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। कि आप बालक को क्या कर रहे हो, छुप छुपा कर गाड़ के आ रहे हो, उसको वहां पर छोड़ के आ रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट, 2 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 95, आज का लास्ट सेक्शन, अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना या नियुक्त करना। अब आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस को करवाने के लिए किसी बालक को रेंट पर ले रहे हो, उसको अपॉइंट कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 95 में पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई किसी अपराध को करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा, नियुक्त करेगा, तो किसी भांति कारावास से जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, मिनिमम 3 साल आपको मिलेगी, जो मैक्सिमम 10 साल तक की होगी, एंड जुर्माने से भी लायबल होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। कि अभी सिर्फ आपने अपराध करने के लिए अपॉइंट ही किया है, अभी अपराध हुआ नहीं है, आपने अपॉइंट किया तो मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट जो मैक्सिमम 10 साल तक की हो सकती है। लेकिन अब बालक ने अपराध कर दिया तो जिसने उसको अपॉइंट किया है और जो अपराध बालक ने किया है, तो बालक को पनिशमेंट ना मिलके उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी जो उसे रेंट पर लेके आया था। तो ये सेक्शन 95 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर कहते हैं कि लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है कि अगर आप किसी अश्लील पर्पस के काम के लिए बालक को हायर कर रहे हो तब भी आपको इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। तो ये टोटल आज हमने सेक्शन 95 तक पढ़े हैं, 87 से लेके, इसके बाद हम 96 से लेके 99 तक कवर करेंगे एंड लास्ट फिर हम हमारा सेक्शन आएगा कल्पेबल होमिसाइड एंड फिर मर्डर। तो ये सीरीज जो आपके लिए हेल्पफुल रह रही है तो आप इसको लाइक किया करो और कमेंट्स ड्रॉप किया करो और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करो। थैंक यू सो मच।